बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरा प्यार भरा सलाम। आज रमज़ान का तीसरा जुमा, सबको बहुत मुबारक। अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन। आज मैं बना रही थी रिफ़्रेशिंग एंड हेल्दी फालसा जूस, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 1.25 पाव के करीब फालसे, एक गिलास भर के, और इसमें लिया है, डालूँगी, शामिल करूँगी मैं एक गिलास पानी, 2 टेबल स्पून चीनी, बर्फ़ और एक चुटकी काला नमक जाएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाऊंगी। एक ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर के अंदर मैं डाल रही हूँ फालसे, धो के साफ़ कर लिए हैं फालसों को। इसमें डाल रही हूँ एक गिलास भर के पानी, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं शुगर, चीनी, अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं। एक चुटकी डाल रही हूँ मैं काला नमक, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी, और कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ मैं शरबत को ठंडा रिफ़्रेश करने के लिए। और ब्लेंडर को चला देंगे, सारी चीज़ों को कवर अप करके ब्लेंडर को चला देंगे। और देखें, इस तरह से जूस तैयार हो गया है फालसों का, लेकिन अभी पीने के लिए तैयार नहीं है ये, पहले हम इसको करेंगे स्टैंड। इस छान लेंगे सारे जूस को, इसका पल्प जो है अलग करेंगे और जूस को करेंगे अलग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। सारे ही जूस को मैंने देखा छान लिया है दबा दबा के, और ये पल्प अलग हो गया है और जूस रिफ़्रेश अलग हो गया है। इसको अब करेंगे सर्व जूस को, मज़ेदार सा फालसों का जूस तैयार है। फिर लौट कर आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।